किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा में जिले के विभिन्न स्थानों और स्पीति की ओर प्रवेश करने वाले लोगों का सीवीनेट द्वारा जांच कर आगे भेजने की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। इससे कम से कम किन्नौर और स्पीति को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। चौरा प्रवेश द्वार कोविड 19 की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ये बात किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने युवा कांग्रेस की ओर से चौरा में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। विधायक ने इस मौके पर चौरा में पिछले कई महीनों से वैश्विक महामारी के दौर में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पुलिस के जवानों, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और अन्य विभाग के कर्मचारियों को मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स और कोरोना से बचने के लिए प्रारंभिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री सम्मान के तौर पर दी। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी कोविड 19 के दौर में हर पल खतरे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों को युवा कांग्रेस द्वारा जागरूक करने के उद्देश्य से भी ये कार्यक्रम किया गया है। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं किन्नौर और स्पीति का हमारा जो प्रवेश द्वार है ये चौरा है। जिसको भी किन्नौर में आना है या स्पीति में जाना है, चाहे हमारे लोकल लोग हैं, चाहे आर्मी है, चाहे हमारे ITBP के जवान हैं, सबको इसी द्वार से होके इसी रास्ते जो है किन्नौर और स्पीति में जाना पड़ता है। यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के और अन्य विभागों के जो है कर्मचारी व अधिकारी यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और ख़ासकर कोविड 19 से यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ चेकिंग पॉइंट रखा गया है, तो इन लोगों के लिए जो है एक तो प्रॉपर PPE किट और साथ में सम्मानित करने की बात जो है, खासकर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सेक्रेटरी हितेश नेगी, इन्होंने ही जो है सारा ये आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इन्होंने अपने साथ जिला कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा है। तो एक तो इनको सम्मानित करना था, लंबे अरसे से ये लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और साथ में एक जागरूकता पैदा करना था।